बंगाल में सियासी खींचतान जारी है। नारदा एस्टिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दे दी, लेकिन रात होते होते कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें ममता के दो मंत्री और एक विधायक शामिल है। सीबीआई ने कल मंत्री फिराद हकीम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था, लेकिन 7 घंटे बाद ही इन्हें जमानत मिल गई। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत में सुधार हुआ है, जिसके बाद आजम खान को आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हाल ही में आजम खान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद सीतापुर की जेल से लाकर आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम रखा है। वहीं दूसरे आरोपी अजय पर 50,000 का इनाम रखा है। सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये वारंट कुछ दिन पहले 23 साल के जूनियर पहलवान सागर की हत्या के मामले में है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में सुशील कुमार आरोपी हैं। वो इस मामले में नाम आने के बाद से फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर भी छापेमारी की थी, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। बाद में जानकारी सामने आई कि सुशील भागकर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानमोह इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों अलबद्र आतंकी संगठन के सदस्य थे। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। कोरोना महामारी में देश दुनिया के तीर्थयात्री और श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। कल बाबा केदार के पट खुलते ही उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है, लेकिन ऑनलाइन पूजा नहीं होगी। वहीं आज सुबह बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए गए, जहां अभी आम भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं है। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से केंद्र से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की मांग की है। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र को चिट्ठी भेजी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए अब 3 दिन की वैक्सीन बची है। अगर दिल्ली को जल्द वैक्सीन नहीं दी जाती तो यहां वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में हुए पंचायत चुनाव में शिक्षा विभाग से जुड़े 1,621 कर्मचारियों की कोरोना से मौत का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से नई सूची जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोरोना काल में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 1,621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मौत हुई। इससे पहले संघ ने 28 अप्रैल को सूची जारी करते हुए कोरोना संक्रमण से 706 शिक्षकों कर्मचारियों की मौत होने की जानकारी दी थी, और अब संघ की ओर से नई सूची जारी की गई है। कोरोना काल में जान गंवाने वाले शासकीय कर्मचारियों को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति और मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है।